आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ये प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड, ब्रीफली बट डिस्क्राइब व्हाट आर द टीचिंग्स मेथड बेस्ड ऑन गेम्स। बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। खेलों पर आधारित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है बालक के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के उपयुक्त विकास के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रियामत्तक विकास, खेल के माध्यम से बालकों का विभिन्न प्रकार की क्रियाओं तथा विभिन्न क्रियाओं कौशल के अभ्यास का यह अवसर प्राप्त होता है। इनका क्रियामत्तक विकास के लिए उपयुक्त समय पर यह अभ्यास आवश्यक है तथा खेल उस अभ्यास का यह अवसर प्रदान करते हैं। दूसरा है शारीरिक विकास, खेल के द्वारा मांसपेशियों का व्यास होता है, भोजन के पचने में सहायता मिलती है, भूख अच्छी लगती है। इस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। छोटा शिशु यद्यपि चल नहीं सकता है, फिर भी वह लेटकर अथवा हाथ पांव चलाकर खेलता रहता है, जिससे उसके शरीर का व्यायाम होता है। खेलों में रक्त संचार बढ़ता है, उत्तेजित पदार्थों के शरीर से निकलने में सहायता मिलती है। वस्तुत खेल व्यायाम का कार्य करता है जो शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संगी साथियों से समय योजन, अपने हम उम्र अनेक बालकों के साथ खेलते समय उस विभिन्न बालकों के साथ समयोजन सीखने के ये अवसर प्राप्त होते हैं। उनमें सामाजिकता का विकास होता है, उनके बालकों के संपर्क में आने का, एक दूसरे के विचार तथा भावनाओं का यह आदान प्रदान एवं बालक के नेतृत्व, आज्ञा पालन, समयकर्ता आदि गुणों का विकास होता है। चौथा है संवेगों का रचन, फ्राइड तथा एरिकन के अनुसार खेल के द्वारा विगत संबंधों के दुखद प्रवाह से मुक्ति मिलती है तथा विगत निराशाओं के लिए खेल के द्वारा काल्पनिक मुक्ति मिलती है। जब बालक इन तनावों से मुक्त हो जाता है तो वह वर्तमान जीवन के समस्याओं से अधिक क्षमतापूर्वक ये मुकाबला करने के योग्य बनता है। इसी आधार पर अनेक मनोवैज्ञानिकों तथा मनोचिकित्सकों ने बालकों की गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए खेल चिकित्सा का सुझाव दिया है। अभी हम चलते हैं पांचवे पॉइंट पे। कहता है अन्वेषक प्रवृत्ति का विकास। डैनियल बर्लिन के अनुसार खेल के माध्यम से व्यक्ति को अपनी जन्मजात अभिषेक प्रवृत्ति को सुखद परिस्थिति में संतुष्ट करने का यह अवसर मिलता है। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति में जिज्ञासा होती है तथा कई अभिनव अनुभव अथवा वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है। खेल के माध्यम से अन्वेषक व्यवहार विकास का यह अवसर मिलता है। खेलों का शैक्षिक महत्व, खेल के माध्यम से शिक्षा का महत्व अनेकों शिक्षावादियों ने स्वीकारा है। इनमें फ्रोबेल, मैडम मॉन्टेसरी के नाम अग्रणी है। खेल शिक्षा को सरस, रुचिकर एवं आसान बनाते हैं। खेलों के द्वारा बालक अपने वातावरण की वस्तुएं, स्थितियां एवं सूचनाओं को आसानी से समझ एवं ग्रहण कर लेता है। खेल द्वारा शिक्षण प्रणाली को भी अधिक ये प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहानी, कविता के रूप में कठिन पाठ भी
आसान बनकर बालक को कंठ कराए बजा सकते हैं। खेल शैक्षिक रचना मत एवं सृजन मत क्रियाओं के विकास में भी काफ़ी सहायक होता है। स्वयं का विकास, खेल का मैदान बालक को उसकी व्यक्तिगत मान्यता प्रदान करता है। वहाँ बालक अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रकट कर पाता है तथा उनका स्तर स्वयं दूसरों से तुलना कर सुधारने का प्रयास करता है। व्यक्ति के रूप में अपनी रुचियां समझाना एवं प्रकट करना सीखता है। स्वयं के बारे में उसकी अपनी धारणा भी खेलों के माध्यम से स्पष्ट होती है। अगला है भाषा का विकास, आठवां पॉइंट है। कहता आरंभ से ही बालक सबसे अधिक भाषा का प्रयोग अपने मित्र समूह में करता है। वस्तुतः वहाँ से उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बालक के शब्दकोश में नित्य नए शब्द संगी साथियों के शब्दकोश से आकर जुड़ते हैं। नए शब्दों का प्रयोग भी बालक मित्र समूह में ही बजमाता है क्योंकि वहाँ उन्हें कोई सही करने वाला अथवा टोकने वाला नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं नाइन्थ पॉइंट। कहता भविष्य की भूमिका का अभ्यास, खेल के माध्यम से बालक अपनी भविष्य में अपनाई जाने वाली भूमिका का अभ्यास भी करते हैं। स्वयं अपने लिए तय की गई भूमिकाओं को तुलना खेल ही खेल में अन्य बालकों द्वारा अपनाई गई भूमिकाओं से करते हैं तथा इस प्रकार उन्हें अनेक विकल्प प्राप्त हो जाते हैं। इन विकल्पों में से उचित भूमिका चुनाव करने में खेल अत्यंत सहायक होते हैं। अब कहता है संज्ञानात्मक विकास से सहायक जीवन पियाजे के अनुसार खेल के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। खेल के द्वारा बालक अपनी क्षमताओं तथा अर्जित कौशल के स्तर की जांच तनावित परिस्थितियों में करते हैं। पियाजे के अनुसार संयमित संरचना जो बालक ने सीखी है उसका उपयोग तथा अभ्यास आवश्यक है। खेल उसे अभ्यास तथा उपयोग का अवसर प्रदान करता है। अब हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 11 नंबर पे नैतिक विकास में खेलों का योगदान। खेल में बालक खेल के नियमों पर चलता है तभी उसे खेल समूह में स्थान एवं मान्यता मिल पाती है। यदि यहीं से वो समाज द्वारा नैतिक गुणों से परिचित होता है तथा उन्हें स्वीकार करना सीखता है। निष्पक्षता, सत्य, आत्मसंयम, बड़ों का सम्मान करना, छोटों की भूलों का भूल जाना, अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार का लेना, ये सभी नैतिक मूल्य बालक खेल समूह में ही सीखता है। समूह नैतिक मूल्य न मानने पर बालक को स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसका अस्तित्व इनके बिना असंभव। खेलों के मैदान में वही बालक सर्वाधिक लोकप्रिय पाता है जो नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर ये व्यवहार में लाता है तथा प्रत्येक बालक समूह द्वारा स्वीकृति होने की लालसा रखता है। अतः स्वतः ही नैतिक मूल्यों को अपना लेता है। अगला पॉइंट है 12वां विभिन्न समायोजनों में सहायता। खेल बालक को विभिन्न शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक गुण प्रदान कर मानसिक योग्यताएं प्रदान करके भाषा के विकास में सहयोग कर उसके जीवन में आने वाले विभिन्न समायोजन को आसानी से स्थापित करने में सहायता देते हैं। निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना बालक खेल के मैदान में सीख लेता है। परिवार में, स्कूल
में तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बालक की सामाजिक नैतिकता गुण उसका शारीरिक स्वास्थ्य उसका संयोग सरल कर देता है। अगला पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, खेल अनुभव प्रदान करता है। खेल के दौरान बालक अनेक एवं ये अनुभव करते हैं जो उसे घर स्कूल की किताबें कभी नहीं बदल सकती। वह अपना वातावरण स्वयं अनुभवित करता है, साथियों या अभिभावकों तथा अन्य परिचितों के बारे में धारणा स्थापित करता है, पशु पक्षी जानवरों के जीवन के बारे में जानकारी करता है, प्रकृति को करीब से देखकर उसे उसके बारे में ज्ञान बढ़ता है। खेल के अनुभव उसके मौलिक ये अनुभव होता है जो उस पर बड़े द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये अनुभव उनके सीखने की प्रवृत्ति को ये बढ़ाते हैं तथा बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास। खेल बालक में रचनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न एवं विकसित करते हैं। खेलों के न्यायपन लाने की प्रकृति बालक की व्यवस्था बदलने के साथ साथ उत्पन्न होती है। प्रयोगात्मक अनुभव बालक के सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। यदि प्रयोगात्मक अनुभव बालक का रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करता है। अब आगे कहता है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन गेम्स। कहता है खेल का जो महत्व है स्वीकार करने के पश्चात विद्वानों ने खेलों को अनेक शिक्षण विधियों का आधार बनाया है। इन शिक्षण विधियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वैवाहिक, शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है। खेलों पर आधारित विधियों निम्न प्रकार हैं। प्रोजेक्ट ये प्रणाली, पहले है प्रोजेक्ट ये प्रणाली। अब कहता है इस प्रणाली में कोई एक योजना ले ली जाती है। हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार एक योजना का कार्य लेता है। ये इस पद्धति में बालक की व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है। खेल खेल में ही वह जीवन की समस्याओं का हल करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। अब डाल्टन योजना क्या है, ये कहता है इस योजना में बालक को उसी क्षमता के अनुसार कार्य बांट दिया जाता है। बालक सामूहिक रूप में कार्य करते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोंटेसरी ये प्रणाली। अब कहता मोंटेसरी प्रणाली में छोटे छोटे बालकों का खेल द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे बच्चे खेल में अधिक रुचि लेते हैं। अनेक प्रकार की रंग बिरंगी सामग्रियों के द्वारा बच्चे लिखना पढ़ना गिनती तथा सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्त कार्य खेल द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त किंडरगार्टन, बुनियादी शिक्षा, डेक्रोली योजना और बेनेटिका योजना भी खेल पर ही आधारित है। खेल का शिक्षा में महत्व इसी बात से प्रकट हो जाता है कि इसको इसके आधार मानकर शिक्षा को योजनाओं का विकास किया गया है। साथ ही ऐसा ही यहाँ पर बालक उसी प्रकार हंसता हुआ जाए जैसे वह खेल के मैदान में जाता है। इसके साथ ये प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं 11 नंबर पे। कहता है पुट लाइट ऑन गेम्स इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, डिस्क्राइब रिलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ गेम्स। अब कहते गेम्स इन इन्फेंसी, शौच व्यवस्था में बालक व्यवस्था में खेल का प्रकाश डालिए, खेल संबंधी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब ये कहता है खेल बालक के जीवन का आवश्यक अंग है। बालक का अधिकांश समय खेल में ही बीतता है। बालक जब एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी वस्तु को रखता है या किसी वस्तु को फेंकता है तो वह उसके लिए खेल है। बालक
खेल को इसीलिए पसंद करते हैं।